मार्केट में जाते थे पोदार गेट की तरफ, तो लोग उनको कहते थे कि बलदेवा राजकुमार भोमली जाटा की, तो ऐसे कहते थे भोमली जाटा की नहीं है, मालियों की है। तब नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नवलोड एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से। कहते हैं कि जब बेटा कमाने लग जाए तो पहले अपने शौक पूरा करता है, लेकिन आज एक अलग ही देखने को मिला है कि यूट्यूब से जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, पहली आमदनी आने के बाद एक जो सर्किल है या स्टैंड है वो बनाया है, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? नहीं, ये मैं सबसे पहले तो इनके पूरे परिवार को बलदेव जी बाबा जी की स्मृति में, इनके बेटे राजू जी, जगदीश जी, किशोर जी और इनके पौत्र संदीप, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने उनकी यादगार में एक स्टैंड कायम किया है और इससे उनका नाम अमर हो जाएगा। क्योंकि लोग चले जाते हैं लेकिन उनका जीवन में अगर कुछ उनके पुत्र करते हैं उनकी याद में, तो उनका नाम अमर हो जाएगा। और ये स्टैंड महत्वपूर्ण भी है क्योंकि यहाँ से सरकारी हॉस्पिटल मात्र 100-150 मीटर की दूरी पे है और लोगों को परेशानी होती है कि कहाँ रुके, कहाँ बैठे, या माता बहने सब यहाँ आराम से बैठ पाएंगी। इसके लिए इन्होंने ये व्यवस्था की, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और क्योंकि यहाँ लोगों को इसका लाभ मिलेगा, लोग स्टैंड के रूप में ये विकसित होगा एरिया, और लोगों की पहचान भी बनेगी इस एरिया की कि दीवान बस स्टॉप, इन्होंने जो दीवान बस स्टॉप इसका नाम रखा क्योंकि बलजी बाबू जी को दीवान कहते थे लोग, तो इसके नाम से ये प्रसिद्ध होगा। अपने आप में उनका नाम भी आजीवन इस चीज़ से अमर हो जाएगा, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्राय देखा जाता है कि युवाओं के पास जैसे ही कहीं ना कहीं पहली सैलरी आती है, उसे या तो वो अपने शौक पूरे करते हैं या अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हैं, लेकिन उन्होंने एक अलग उदाहरण पेश किया है। हानी संदीप एक सिंसियर लड़का है और ये हमेशा मेरे बहुत समय से टच में है और बहुत ही पॉजिटिव सोच वाला बच्चा है। अब जो पॉजिटिव और सोच वाले बच्चे होंगे वही ऐसा काम कर सकते हैं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि जीवन में ऐसे हम कमाते रहेंगे लेकिन अपने माँ बाप के लिए, अपने दादा दादी के लिए अगर हम कुछ कर जाएं तो इससे बड़ा कोई काम नहीं होता है। बाकी आदमी पेट तो सब भरते हैं अपना, लेकिन अपने बुजुर्गों की याद में अपन कुछ करें, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता, इससे बढ़िया उनकी कमाई का कोई सदुपयोग नहीं हो सकता। तो इससे मैं संदीप को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे जो लाडले संदीप हैं उनके लिए? मैं दीवान जी के परिवार को और संदीप को साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ये लोगों के बैठने में काम आएगा। और यहाँ हॉस्पिटल होने की वजह से यहाँ की माताओं बहनों को तकलीफ हो रही थी, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, ये देख सकते हैं कि स्टैंड है जिसे दीवान स्टैंड का है वो नाम दिया गया है, और ये सुनारिया कुआ के पास है। वो क्या संदीप से अपन बातचीत करेंगे। संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और शुभकामना आपको प्रेषित करना चाहेंगे कि आपने एक नेक सोच के आगे बढ़ाते हुए आपने ये स्टैंड है वो कायम किया है। कैसा ख्याल आता है वो पहली बार आपके दिमाग में आया कि यहाँ स्टैंड बनाया जाए? आप सबसे पहले तो मैं चेयरमैन साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा क्योंकि वो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए और हमारे इस छोटे से प्रोग्राम को एक चार चांद लगा दिए और मेरे दादाजी का नाम अमर हो जाएगा इससे। और एक छोटी सी बात है, मार्केट में वो जाते थे, मैं भी उनके साथ जाता था, और मार्केट में ऐसे दीवान जी करके नाम बोलते थे उनको। तो जब मैंने यूट्यूब चैनल का नाम रखा तो बस यही रखा दीवान ट्यूटर, कि उनका नाम है ना वो हमेशा के लिए अमर हो जाए। एक चीज़ और ये मैंने सैनी नाम भी लिखवाया है इसके ऊपर, और सैनी इसलिए लिखवाया है क्योंकि वो मार्केट में जाते थे पोदार गेट की तरफ, तो लोग उनको कहते थे कि बलदेवा राजकुमार भोमली जाटा की, तो ऐसे कहते थे भोमली जाटा की नहीं है, मालियों की है। तब मैंने ये सैनी नाम लिखवाया है कि कम से कम उनका नाम लोगों को, काफी लोगों को ऐसे असमंजस में रहते हैं कि यहाँ पे सैनी किसी ने करवाया है। इसके लिए किन से इंस्पायर हुए थे आप जैसे ऐसा करने के लिए? इंस्पायर तो जब दादाजी का अंतिम समय था तब ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया कि दादाजी हम आपका खर्च नहीं करेंगे, मैं तो कौन होता हूँ, पापा चाचा जी सब बैठे हैं। तो मैंने उनसे कहा दादाजी खर्च नहीं करेंगे, आपके नाम से कोई चेयर वगैरह डलवा देंगे बाहर ही। तो अब थोड़ा सा पापा वगैरह पास तो कुछ मतलब ऐसे नहीं था कि आर्थिक, मतलब शादी वगैरह हो गई, तो मैंने कहा पापा आपसे मैं कुछ नहीं लूँगा, मेरी पहली सैलरी आई है, मेरी इच्छा है मैं करवाने की, आप ऐसे कहो तो मैं करवा दूँ, आपकी भी इच्छा होनी चाहिए कम से कम और आपका भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पापा बोले बोले ठीक है करवा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपका यूट्यूब चैनल है, एक बार तो जो भी मेरे दर्शक हैं वो देख रहे हैं उनको यूट्यूब चैनल है किस नाम से है और किस चीज़ के विषय में आपने ये चैनल है वो बना रखा वो भी बता दीजिए। मेरा चैनल है यूट्यूब दीवान ट्यूटर के नाम से, जिसमें मैं एजुकेशनल वीडियो डालता हूँ और फाइनली मैं अभी अन अकेडमी पर भी डाउट सॉल्विंग काउंटर पर हूँ, यानी कि मैं डाउट क्लियर करवाता हूँ वहाँ पर भी।
आगे के भविष्य को लेकर, क्योंकि यूट्यूब अभी तो आपकी पहली इनकम आई है, भविष्य में और भी है, कामना करेंगे कि जैसे आज आई है उससे कई गुना है, वो आगे बढ़े। आपकी भविष्य में क्या क्या प्लानिंग है जो इस विषय में आप करने वाले हैं? कोशिश तो यही है भाई साहब के टच में हूँ, ये भी काफ़ी सामाजिक कार्य करवाते हैं और इनसे थोड़ा सा इंस्पायर हुआ कि कुछ ना कुछ करें कि हमारा भी नाम थोड़ा सा आगे हो जाए, बस यही है। दादी जी हैं क्या आपकी? हाँ, जिनके नाम से ये बना है, तो ये आप देख सकते हैं। देख ले।